हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत खाना। आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ स्वाद कंपनी का डोसा रोल। तो ये आता है 200 ग्राम, 10 पीस आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर लिखा है नो प्रिजर्वेटिव्स। ये देखिए साइड में लिखा हुआ है और साथ में ऊपर भी लिखा हुआ है काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और कोई कलर ऐड नहीं किया, नो MSG, और इसको हम फ्रोजन करके ही रखा हुआ है। और इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, पोटैटो है, अनियन है, ग्रीन चिलीज है, बहुत सारी चीज़ है। इसके अंदर आप उस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुकिंग इंस्ट्रक्शन है, इसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते, और फ्राई पैन पे इसको हीट ऑयल के अंदर डालना है, काफ़ी अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाना है। और इसके अंदर लिखा है कि इसको आप -18 में रखें और बनाने से पहले इसको अनफ्रोजन कर लीजिए। और इसके कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि समोसे आते हैं, कोई स्प्रिंग रोल्स भी आते हैं। और मार्केट प्राइस जो है इसकी 180 है, बट ये मेरे को एक के साथ एक फ्री मिला है डीमार्ट में। यहाँ पे आपको मैं फोटो लगा देता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा डीमार्ट में कितने का है। तो चलिए इसको हम खोलकर देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर एक कंटेन है, ऊपर से साफ मालूम पड़ रहा है चूँकि, तो हमने इसको काट लिया है। और इसके अंदर जो बॉक्स निकला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे हमारे जो डोसा रोल है सेफ़ हैं, बोले तो टूटे हुए नहीं है। जैसे आपने देखा था कि मेरे जो अमूल नगेट्स से वो सारे टूट चुके थे, इस तरह के डिब्बे में इन लोगों ने इसको अच्छे से पैक किया हुआ है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, डीमार्ट से मेरे को मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में इसका रिव्यू किया जाए और मैं भी आपको टेस्ट करके बताऊँ ये कैसा है। तो इसके अंदर निकलते हैं 10 पीस, और इसकी जो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो जाए बोलो तो आपको डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ खरीदने से, तो ये बेटर यही रहेगा। ये देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर मैदे की पट्टी से इसको अच्छे से रोल किया गया है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कोई भी यहाँ से कोई ब्रेक नहीं है, बट मेरे को एक ब्रेक वाला दिख रहा है छोटा वाला, तो हो सकता है ये तेल में जाके उत्पाद मचाए, बोले तो ये फट जाएगा और इसके अंदर का मटेरियल बाहर आ सकता है। तो चलिए इसको भी हम डालेंगे, देखेंगे कैसा इसका आता है। काउंट करने पे आप बिल्कुल आपको 10 पीस मिलेंगे। तो चलिए इसको हम गर्म तेल में डालते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए हमने पैन को पहले ही गर्म कर रखा है, इसके अंदर तेल जो है ऑलरेडी गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम के बीच में मैंने इसको गर्म किया है। तो एक एक करके हम सारे जो डोसा रोल है उसको डाल देते हैं और देखते हैं कि डोसा रोल सही में डोसा जैसा स्वाद देता है कि नहीं। ये मार्केट में नया आया है और मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए और आपको भी मालूम पड़े कि इसका टेस्ट कैसा है। और मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने इसको पहले भी ट्राई किया हो, और कई लोगों ने मेरे को बताया भी फ्रेंड्स ने कि एक डोसा करके बोलो तो एक कंपनी है, वो रेडीमेड डोसा पैक करके उसको नाइट्रोजन में और उसको सप्लाई भी कर रही है। और एक चीज़ हम आप बता देते हैं कि इसके साथ कोई चटनी वटनी नहीं मिली है, ना कोई कोकोनट चटनी मिली है, सांभर वगैरह जैसे फ्रोजन कुछ मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला है, सिंपल ये 10 पीस डोसा रोल के मिले हैं। तो चलिए हमने इसको तेल में डाल दिया है, हम वेट करते हैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, तो इसको हम अच्छे से सेकते हैं। अभी देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 मिनट के बाद हम जो हमारा जो फटा वाला ये था डोसा रोल, ये देखिए इसने उत्पाद मचा दिया तेल के अंदर, और काफ़ी सारे अपने इंटरनल फिलिंग्स थी उसको उसने बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हैं हमारे तेल में अच्छे से तैरने लगे, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे पीस आलू के आ गए हैं, ये एक हमारा डोसा रोल फटने की वजह से ऐसा ये सीन हमको झेलना पड़ रहा है। तो अच्छा हुआ आपको भी आइडिया हो गया कि अगर एक फटा हुआ है तो उसको आप तवे पे रख के भी गर्म कर सकते हैं, या फिर आपके पास माइक्रोवेव नहीं अपना ओवन है तो उसमें भी आप उसको गर्म कर सकते हैं, ग्रिल ओवन में हल्का सा ऑयल लगा के। तो एक फटे रोल के चक्कर में आप देख सकते हैं इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ तेल में आ चुकी है। तो चलिए इसको हम निकाल देते हैं। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और एक तरफ से हम उसको पलटने की कोशिश करी तो ये पलट नहीं रहे थे, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि एक साइड से ये ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए उसको हम छान कर अच्छे से निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिए मैंने सारे डोसा रोल को निकाल लिया है और उसको मैंने सर्व किया चटनी के साथ, ग्रीन सॉस है और साथ में रेड सॉस है, बोले तो टोमेटो सॉस है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह से आया है और दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक चुके हैं, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से। तो चलिए इसको हम एक बार तोड़ के देखते हैं। और जो फटा हुआ वाला था जो आप देख सकते हैं वो इस तरह का हो गया, इसने सारा तेल ख़राब किया था, और बाकी जो सारे हैं वो अच्छे से रैप्ड थे, तो हमारा जो तेल है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। तो चलिए इसको बीच में से तोड़ के आपको दिखाते हैं कि कैसा है। ये देखिए अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और आप अंदर की फिलिंग देख सकते हैं, बिल्कुल डोसे में जो लग कर आता है फिलिंग आलू का वैसे ही लग रहा है। इसके अंदर आपको करी लीव्स दिख रही छोटी छोटी, और जीरा है, आलू है, प्याज है, इसके अंदर अच्छे से मैश करके इसके अंदर फिलिंग की है। चलो आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये खाने में एकदम उम्दा है और इसका अंदर का जो फिलिंग है एकदम मस्त है, बिल्कुल डोसे वाला फिलिंग है जैसे हमको मसाले डोसे में मिलता है। इसके अंदर धनिया भी दिख रहा है, करी लीव्स भी है साथ में, और आप देख सकते हैं इसका जो फिलिंग है काफ़ी अच्छी करी गई है, और हल्का सा ऑयल अंदर गया है जिसको आप सोक कर सकते हैं टिश्यू पेपर में। और खाने में अच्छा है डोसे का, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो डोसे का टेस्ट ले सकते हैं। इसको सॉस के साथ खा के आपको बता देता हूँ, सॉस के साथ इतना मज़ा नहीं आ रहा है, आप इसको
वैसे ही नॉर्मल खा ले तो वैसे ही चटपटे हैं, क्योंकि अंदर का जो मसाला का फीलिंग है काफ़ी ज़्यादा चटपटा है। और इसको आप किसी के साथ भी उसको आप सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, या फिर आप सांभर बना तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।